यू ऑल, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल माय हेयर ट्रांसप्लांट। और आज हमारे साथ फिर आ चुके हैं विनय भाई। अगर आप विनय भाई को नहीं जानते तो मैं बता दूँ, ये रेगुलर वीडियोस में हमारे आते हैं, आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, अपना रिजल्ट दिखाते हैं। ऐसे ही जो है और भी हमारे मित्र की हमको ज़रूरत है, जो कि आप लोगों के सामने वीडियोज़ पर आ सके एंड आप लोगों को मोटिवेट कर सके, अपना रिजल्ट दिखाते हैं। क्योंकि बहुत सारे जो है पेशेंट्स हैं जो बहुत अच्छा उनका रिजल्ट आ चुका है लेकिन फिर भी वो जो है कैमरे के सामने नहीं आते। आई डोंट नो क्यों नहीं आते, उनके कुछ पर्सनल रीज़न भी हो सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर थोड़ा बहुत अगर वो अपना पिक्चर भी आपको दिखा देना कि मेरा बिफोर एंड आफ्टर ये पिक्चर है, तो आप लोगों को बहुत मोटिवेट फील होगा एंड जो भी इस चीज़ से जूझ रहे उन लोगों को लाइक एक डिसीजन लेने में बहुत ईजी हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच विनय भाई, आप फिर से मेरे वीडियोज़ में आए एंड बहुत अच्छा फील होता है कि ऐसे लाइक ऐसे भी बंदे हैं जो कि औरों की भी सोचते हैं कि हाँ वीडियो में आऊँ तो और लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। तो गाइस इस वीडियो में मैं विनय भाई से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा एंड मैं बता दूं पहले ही आपको कि इनका 4.5 महीना हो चुका है हेयर ट्रांसप्लांट को। एंड अगर आपने इनका पहले के यानी कि 3 महीने का अगर वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर उसको देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। एंड तब का जो डेंसिटी थी और अभी का जो डेंसिटी है उसमें आपको काफ़ी फ़र्क देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं बताऊँ 3 महीने तक काफ़ी लोगों का जो है रिज़ल्ट ही नहीं आता, क्योंकि 3 महीने तक तो शेडिंग फेस ही माना जाता है एंड 4th महीने के बाद रिज़ल्ट आना स्टार्ट होता है। लेकिन विनय भाई का जो है शेडिंग फेस बहुत ज़्यादा कुछ चला नहीं था, तो 3 महीने में भी लगभग रिज़ल्ट ठीक ठाक आ गया था एंड 4th महीने में काफ़ी अच्छा मुझे मतलब 4.5 महीना हो चुका है इनका, यानी 4 महीना एंड 15 दिन के आसपास हो चुका है एंड काफ़ी अच्छा जो है रिज़ल्ट आ चुका है। तो विनय भाई से कुछ सवाल पूछा जाए तो विनय भाई पहले तो ये बताओ कैसे हुआ? बहुत बढ़िया हूँ सौरभ भाई, इस टाइम पर बहुत अच्छा फील हो रहा है दोबारा आपसे मिलकर। हाँ बहुत बढ़िया एंड मेरे को भी बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आप लाइक कैमरे के सामने आ रहे हो, लोगों को अपने लाइक रिजल्ट को दिखाने से हेजिटेट नहीं कर रहे हो। एक दो क्वेश्चन आपसे भी पूछना चाहूँगा जो कि शायद ऑडियंस भी जानेगी तो उनको भी अच्छा लगेगा और शायद मुझे भी अच्छा लगेगा। तो वैसे कुछ सवाल है कि पहले हेयर ट्रांसप्लांट से पहले और अब अपने मिरर में जब देखते हो अपने आप को तो क्या महसूस करते हो? देखो पहले तो मैं मिरर में इस तरीके से देखता ही नहीं था अपने आप को। पहले सिर्फ मैं ज़्यादातर नहाया धोया और कैप लगाई, बाल इस तरीके से आगे करे और कैप लगाकर और चला गया। अपने बस गंजपना जो छुपाना होता है ना वो छुपाया और कैप लगा के चला गया। लेकिन अब जब मैं मिरर में अपने आप को देखता हूँ, कंघा उठाता हूँ और कंघी मारता हूँ बालों के अंदर, मतलब काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं जब के मुकाबले और अब के मुकाबले के अंदर। अभी मतलब अपने अपने हाथ में स्टाइल करना। हाँ, पहले तो मैं टोपी पहना निकला। हाँ, पहले मैं कैप लगाकर और बाहर चले जाता था और डर लगता था कि कोई कैप ना हटा दे तो कैसा लगेगा, बड़ा ऑकवर्ड सा फील होता। और अभी तो आप कॉलेज में भी हो ना? हाँ हाँ, मैं अब कॉलेज जाता हूँ तो बाल वगैरह अच्छी तरह स्टाइल करके जाता हूँ और किसी को इतना ज़्यादा पता नहीं चलता इस टाइम पर। बस अब बहुत अच्छा फील होता है, लगता है कि हाँ जो पैसा मैंने लगाया वो अच्छी जगह लगाया। और लाइक जैसे और भी जैसे आपके फैमिली रिलेटिव्स हैं जो कि आपको देखते हैं तो क्वेश्चन नहीं उठाते कि भाई तुम्हारे तो बाल चले गए थे अब कैसे आ गए? हाँ बोलते हैं, वो बोलते हैं, मैंने बताया, मैंने इतना तो किसी को खुल के बताया नहीं, लेकिन मैंने बताया आके मैंने कुछ दवाइयाँ ली थी और इस तरह का कुछ करवाया, तो वो बोलते हैं हाँ तो काफ़ी नेचुरल है, किसी को यकीन नहीं होता कि इस तरीके से भी आ सकते हैं। आजकल आप जानते हैं ज्यादा लोग नॉलेज है। हाँ, क्योंकि जो हमारे घर के बड़े बूढ़े हैं उनको तो पता ही नहीं कि मतलब हेयर ट्रांसप्लांट कैसे होता है। बोलते हैं कि हाँ कि इस तरीके से भी होता है, मतलब यकीन ही नहीं आता लोगों को। हाँ बाल भी दोबारा आ सकते हैं, मेरे बिल्कुल बाल जा चुके थे। एंड अभी जैसे आपने बताया था मेरे को कि आपने फंक्शन अटेंड किया था, फंक्शन के अंदर जैसे पहले तो मैं अवॉइड कर देता था काफी वो फंक्शनों को, अब दोबारा मैं जाने लगा और अब अच्छा लगता है, बिल्कुल नेचुरल लगता है कि हाँ जैसे मैं पहले जब 17-18 साल का था जब जाया करता था फंक्शन के अंदर, और अब बिल्कुल वही वाली फीलिंग आती है, बाल वाल अच्छे से स्टाइल करके जाता हूँ, पहले जाता था कैप वगैरह लगा ली और चला गया। और जो गाइस पहली बार विनय भाई को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि इनका हेयर ट्रांसप्लांट जब हुआ था तो इनका 2950 ग्राम प्लस लगे थे एंड आप देख सकते हो कैसा इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था एंड उस टाइम जो है काफ़ी अच्छा जो है इनका देख सकते हो ग्राफ्ट लगे थे, डेंसिटी बहुत अच्छी दी गई थी एंड अब जो इनका रिजल्ट है वो आपके सामने है, आप देख सकते हो क्या डेंसिटी आई है, कैसे इनका जो है दिख रहा है, कैसा इनका लुक लग रहा है। एंड मेरे हिसाब से बहुत अच्छा जो है इनका हेयर ट्रांसप्लांट का जो है रिज़ल्ट 4.5 महीने में ही आ चुका है। एंड मैं बताऊँ ये 50% भी रिज़ल्ट मैं तो नहीं आता, क्योंकि 4.5 महीने में बहुत ज़्यादा कुछ रिज़ल्ट नहीं आता है, कम से कम 1 साल वेट करना चाहिए एंड मेरे हिसाब से इनका फुल रिज़ल्ट 8 महीने के आसपास में आ जाएगा। एंड 8 महीने का जो वीडियो आएगा इनका आप देख के खुद चौंक जाओगे, क्योंकि मेरे को पता है, मेरे को ऐसा फील होता है अंदर से, पॉजिटिव वाइब्स आती है कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट इनका आने वाला है एंड इनका रिज़ल्ट देख के बहुत लोग मोटिवेट होने वाले हैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन लेने के लिए। एंड विनय भाई से मैं एक बार और थैंक यू बोलूँगा कि ये हमारे वीडियोज़ में आते हैं, आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, ऐसा हर कोई नहीं करता है, बहुत लोग जो है छुपाते इस चीज़ को कि हमने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। एंड मेरे हिसाब से इस चीज़
को छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने विग लगा लिया, आपका नेचुरल हेयर है, आपके खुद के बाल है, ये समझो आप कि आपने अपने ही ग्राफ्ट को निकाल के आगे लगाए, वही ग्रो कर रहे हैं। ऐसा कुछ नकली चीज़ तो आपने लगा के मतलब घूम नहीं रहे हो कि कोई पकड़ के उखाड़ देगा और आपकी बेइज्जती हो जाएगी, तो बेइज्जती की बात नहीं। इनफैक्ट जिनके जो है बाल्डनेस है उनको आप मोटिवेट कर सकते हो, एंड आप जैसे खुश हो अपने रिजल्ट के साथ, ऐसे दूसरे लोगों को भी अपने रिजल्ट के साथ खुश देख सकते हो। जैसे कि मेरा बहुत लाइक इस चीज़ का मन करता है कि हाँ, अगर मेरे रिजल्ट आए तो ऐसे विनय भाई की तरह और भी जो मेरे भाई हैं जो मेरे को देखते हैं, मेरे वीडियोज़ को फॉलो करते हैं, उनके भी रिजल्ट आए और मेरे से अच्छा आए। तो इस वीडियो को यही रखेंगे यही तक, एंड आई होप कि आपको विनय भाई का रिजल्ट अच्छा लगा हो। एंड विनय भाई का अगर रिजल्ट आपको अच्छा लगा है 4.5 महीने का, तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। एंड अगर आपको और भी आगे विनय भाई का रिजल्ट देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो तो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, हेल्दी रहो।